तो गाइस मिस्टर एंड मिसेस साहिल मैकॉन के व्लॉग में आपका दोबारा से एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आए हैं पुराना किला, आपके सामने आप देख पा रहे होंगे पुराना किला। आज है सुपर संडे, आज राधिका सिंह जी हमारे साथ नहीं है क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, तो हमने सोचा मैं और हमारे विक्की सिंह जी और स्टार भाई व्लॉग्स साथ में आए हैं, आज दोनों साथ में व्लॉग्स बना रहे हैं। आज हम आए घूमने के लिए पुराना किला, यहाँ से जाएंगे आई थिंक, अब जो है टिकट वगैरह लगने लगी है तो यहाँ से पहले हम टिकट लेंगे इस जगह से। पुराना किला ये सामने आपके पुराना किला है, पहले हम जाते हैं अंदर से टिकट लेते हैं, उसके बाद आज हम आपको घुमाएंगे पुराना किला। तो स्टे ट्यून विद अस, बने रहिएगा हमारे साथ। और हमारी व्लॉग्स अगर आपको पसंद आएगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। तो गाइस इस टिकट काउंटर से आप जब भी यहाँ पर आएंगे तो 30 रुपये की आपको ऐसी एक टिकट मिलेगी, 30 रुपये की टिकट है जिसके अंदर पुराना किला प्लस म्यूजियम आप घूम सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज हो गई, अब एंट्रेंस इस टाइप की बन गई जबकि पहले ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। तो 30 रुपये की हमने टिकट यहाँ से परचेज करी, अब हम एंटर कर रहे हैं पुराने किले के अंदर और म्यूजिक के अंदर। भैया जी कह रहे वीडियो आगे बनाना, तो हमारे चैनल में बनी रहेगा, आगे आपसे मिलते हैं। तो गाइस फाइनली हमने एंट्री कर ली है पुराने किले के अंदर इस 30 रुपये के टिकट के साथ, जिसके साथ में हम म्यूजियम भी देखेंगे। और आपके सामने ये है एंट्रेंस पुराने किले की। ये सामने लास्ट टाइम जब मैं आपको पता होगा हुमायूं टॉम गया था तो वहाँ पर भी कुछ इस टाइप का ही कंस्ट्रक्शन था मैंने बोल दिया। विक्की सिंह जी आ रखे हैं आज हमारे साथ में, क्योंकि राधिका सिंह जी आज हमारे साथ में नहीं है। तो आज मिस्टर एंड मिसेस साहिल मैकॉन के ब्लॉग में आपको हमारे साथ विक्की जी दिखेंगे। विक्की जी क्यों? तो ये सामने आपके है पुराना किला, आज हम पुराना किला विजिट करने आए हैं। और हमारे साथ में हमारे एक और यूट्यूबर जिनका नाम है स्टार भाई ब्लॉग, ये भी हमारे साथ में आ रखे हैं और ये भी अपनी ब्लॉग आज बना रहे हैं पुराने किले की। नीचे मिस्टर एंड मिसेस साहिल मैकॉन के नाम से आपको हमारा चैनल मिलेगा। और स्टार भाई ब्लॉग्स का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना है, मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा। इंजॉय करिए गाइस, जैसे वो बोल रहे हैं इंजॉय करिए। सामने आपके पुराने किले, अंदर जाएंगे दिखाएंगे आपको पुराने किले के बारे में, कुछ बताएंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में कि कैसे बना, किस लिए बनाया गया। तो बने रहिएगा हमारे चैनल में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस गाइस। एंट्री कर ली है हमने पुराने किले के अंदर, यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे कंस्ट्रक्शन बने हुए हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं। यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है, ये है बड़ा दरवाज़ा, इसके बारे में लिखा हुआ है। आगे से लेके पीछे तक अगर मैं आपको दिखाऊं तो काफ़ी सारा ग्रीनरी एरिया है यहाँ पर आपको दिखेगा सामने। अब अभी हम वहाँ पर भी जाएंगे, ये बोर्ड लगा हुआ है G20 इंडिया का, क्योंकि G20 जो है सर वो भारत में हो रहा है, तो उसका भी यहाँ पर आपको बोर्ड दिख जाएगा। गाइडलाइंस फॉर विजिटर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब आप देख सकते हैं। विजिटर्स के लिए गाइडलाइंस हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे रखे हैं, मेल आईडी वगैरह, पुलिस हेल्पलाइन नंबर समथिंग, क्योंकि लोग आते हैं काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं आज की वगैरह तोड़ वोड़ और पता नहीं क्या क्या। स्टार भाई व्लॉग्स आ रखे हैं, चीज़ें करते हैं देख सकते हैं आप, कपल्स वगैरह सारे, क्या बताएं, मतलब ऐसी जगह पर भी आगे आज के करना का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं जो आपको पता नहीं। कैसा लग रहा है आज आपको? ये सोच रहे कि नो नी थिंग क्यों नहीं है आज हमारे साथ में। तो गाइस पुराना किला के अंदर अभी हम आए हैं, तो इसके अंदर जब हम आए इसके अंदर हमें मिला एक ये जगह है किला ए कुहना मस्जिद, जो जगह है किला ए कुहना मस्जिद नाम है इसका, ये रही सामने ये है। पुराने किले के अंदर काफी सारी चीजें बनी हुई हैं, 4-5 चीजें बनी है यहाँ पे, मस्जिद वगैरह बनी हुई है, कुछ दरवाजे बने हुए हैं। तो पहली जगह जो हमने विजिट करी है पुराने किले के अंदर जाके वो है किला ए कुहना मस्जिद, जो ये सामने है। इंस्ट्रक्शन देखिए आप, फिर दोबारा कंस्ट्रक्शन देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, मुगलों के टाइम का, बहुत सालों पुराना है ये कंस्ट्रक्शन, मुगलों के टाइम का। तो विक्की सिंह भी याद रहा है, मैं बार बार इंस्ट्रक्शन बोल रहा हूँ, साला कंस्ट्रक्शन नहीं बोल पा रहा यार। लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं यहाँ पे, काफी अच्छी चीज है, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो बहुत सालों पुरानी जगह है ये। और हमारे प्रथम भाई है जैसे ये सामने स्टार भाई व्लॉग दिखा रहे हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो पहले के टाइम पे, मुगलों के टाइम पे जो चीज़ें बनती थी, आर्किटेक्ट जो पहले के टाइम का होता था वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होता था, जिसका मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, सिर्फ आपको दिखा सकता हूँ। आपके सामने आप देख सकते हैं इतने सालों पुरानी बनी हुई जगहें हैं और आज भी एडिटेड रहती ही खड़ी हुई है। तो जब भी आप पुराना किला आएंगे विजिट करिएगा इस जगह को, इसका नाम है किला ए कुहना मस्जिद। अंदर चलते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि अंदर से कैसी है। गाइस पुराने किले के अंदर किला ए कुहना मस्जिद आपके सामने है, विक्की सिंह जी भी आपके सामने।
इस जगह का नाम है किला कुहाना मस्जिद। मुगलों के टाइम की बनी हुई चीजें हैं पुराने किले के अंदर। अगर मैं अंदर से आपको दिखाऊं तो अंदर से काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। मतलब मैं बता नहीं सकता आपको, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल चीजें हैं यहाँ की जो बनी हुई है। पहले के टाइम पे मुगलों ने जो ये सब चीजें बनाई थी, आप देख सकते हैं बड़े बड़े गुंबद है यहाँ पे। ये देखिए अंदर से कुछ इस तरीके से दिखता है, आप देख सकते हैं। मतलब अगर आप यूट्यूबर है तो आके यहाँ पे व्लॉग्स बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पे काफी अच्छी अच्छी स्टोरीज वगैरह और रील्स वगैरह बना सकते हैं। इस टाइप के यहाँ पे दरवाजे वगैरह बने हुए हैं जो कि बंद है आई थिंक। हाँ, ये सब चीजें बंद हैं। ये सब देख सकते हैं नक्काशी कितनी प्यारी हो रखी है, उर्दू भाषा में लिखा हुआ है इन सारी चीजों के ऊपर। लोग वगैरह आते हैं यहाँ पे रील्स वगैरह बनाने के लिए इंस्टाग्राम पे, काफी अच्छी चीज है। एक सामने आपको दरवाजा भी दिख रहा होगा। अब इस जगह का नाम किला कुहाना मस्जिद क्यों, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से तो अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में सर्च करने के बाद डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा पुराना किला की हिस्ट्री के बारे में। ये देखिए इतना प्यारा लग रहा है ना। तो दिस इज कॉल्ड कुहाना किला मस्जिद। बाकी पुराने किले के अंदर हम हैं अभी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिस्टर एंड मिसेस साहिल मैकॉन के नाम से हमारा प्यारा सा चैनल है, ऐसी ब्लॉग्स बना के हम लोग डालते रहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप भी हमारे साथ साथ आज पुराना किला घूमेंगे और हम घुमाएंगे आपको और हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। तो स्टे ट्यून विद अस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी वीडियो अगर पसंद आती तो उनको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो गाइस पुराना किला आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने चैनल में मिस्टर एंड मिसेस साहिल मैकॉन में। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ इस टाइप की सुरंगें और इस टाइप की गुफाएं बनी हुई हैं जहाँ से लोग बाग भी निकल के आ रहे हैं। अंदर क्या है, अंदर ये कहाँ से निकल रहे हैं आगे? अच्छा यहाँ से बिल्कुल आगे जा सकते हैं, ये हुमायूं के मकबरे तक जा रही है ये। तो ये भाई लोग आ रहे हैं बता रहे हैं कि ये जो नीचे से सुरंग जा रही है हुमायूं के मकबरे तक जा रही है। मतलब यहाँ से पुराने किले से उस टाइम पे अगर हुमायूं के मकबरे जाना होता तो यहाँ से जाते थे, इस रास्ते से निकलते। तो आप सोच सकते हैं कि पहले के टाइम पे जो आर्किटेक्ट था वो कितना खतरनाक था। हुमायूं के टॉम नहीं यार, अभी तो पुराना किला पहले पूरा देख लेते हैं ना। तो ये जो बता रहे हैं कि नीचे से जाते थे हुमायूं के मकबरे तक जा रही है। तो गाइस फाइनली अब आपके सामने कुहाने किला मस्जिद के बाद आपके सामने पेश है पुराना किला। ये आपके सामने पुराना किला जो आपके सामने है, ये बिल्कुल पुराना किला ही आपको नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं। धूप बहुत ज्यादा है भाई, अवॉइड करिएगा गर्मियों में आना, और मोस्टली यहाँ पर कपल्स आते हैं तो अकेले तो बिल्कुल मत आइएगा। बेटर यही होगा कि आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह उनके साथ आप आइए, आके एंजॉय करिए। यार छोड़िए इन सब बातों को, आप दर्शन करिए पुराने किले के। ये देखो गाइस सामने ये पुराना किला है आपके सामने, ये पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक जहाँ तक मैं अपना कैमरा घुमाऊंगा, ये सारा पुराने किले का ही पार्ट है ये भी सारा का सारा जो आप देख सकते हैं। मतलब ये ओवरऑल जो एरिया है इसको पूरे को पुराना किला कहते हैं, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बनी हुई हैं। जैसे भी आपको दिखाया था हमने कहूना मस्जिद जो दिखाई थी वो थी। अब इस जगह का नाम है, ये है तलाकी दरवाज़ा, तलाकी दरवाज़ा इस जगह का नाम है। अब क्या होता था इसके अंदर, क्या नहीं होता था, ये तो मेरे को अभी पता नहीं है सही बताऊँ तो। जो इसकी हिस्ट्री है उसके बारे में हम पहले सर्च करेंगे, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के बताएंगे कि यहाँ पर क्या होता था। देखिए पहले के टाइम का जो आर्किटेक्ट था कितना खतरनाक था। सीढ़ियाँ देख सकते हैं आप, किस टाइप की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं गोल गोल। ये देखिए यहाँ से नीचे जा सकते हैं, हम नीचे जाके देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। ये देखिए गाइस आओ, तो नीचे की तरफ जा रहे हैं तो बड़ा सा एक दरवाजा है बहुत पुराने टाइम का, सालों साल हो गए हैं, कम से कम सौ साल हो गए हैं इन दरवाजों को बने हुए। आज भी एज इट इज वैसे ही हैं, लकड़ी के दरवाजे बने हुए। ये देखिए अब इसके उस तरफ क्या है वो तो हमें पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है चेन लगी हुई, ताला लगा हुआ है। थोड़ा हॉन्टेड सा भी लगता है ना ऐसी जगह पर आओ जहाँ अंधेरा वगैरह होता है, बहुत पुराना है। ये देखिए आज की करने की रिक्की सिंह जी पूरा नोनी को फील करते हुए कि आज हम अकेले आए हैं। तो गाइस पुराना किला कुल मिला के ये पुराना किला, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं और कुछ नहीं है दादा, बस ये है कि आर्किटेक्ट काफ़ी अच्छा बना हुआ, पहले के टाइम के लोगों ने बना रखा था वो सारी चीज़ें हैं। ऐसी आपको चीज़ें हम दिखाते रहेंगे हमारे चैनल के अंदर। हमारा चैनल जो है मिस्टर एंड मिसेस साहिल मैकॉन, अगर आपको पसंद आई हो हमारी वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। तो गाइस पुराना किले का तो हमने दर्शन कर लिया बढ़िया करके, अब जो म्यूजियम है उसके अंदर हम जा रहे हैं। ये है म्यूजियम पुराना किले का, देखिए ये देखिए
म्यूजियम के अंदर जाएंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है इसके बारे में बता रखा है काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये कह रहे हैं बंद करने के तो बंद करना पड़ेगा, सॉरी। ये सब यहाँ पे निकले हैं किन्नू, पता तेरे को ये सब चीज यहाँ निकली होंगी है। ये देख सो गाइस, पुराने किले का जो म्यूजियम है उसके अंदर हम अभी आ रखे हैं। यहाँ पर इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल चीजें हैं, पुराने जमाने के टैंक, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो कि खुदाई के दौरान यहाँ पे निकली है। विक्की सिंह जी बड़े प्यार से देख रहे हैं इनको, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं भोले बाबा पार्वती माता की मूर्ति है, गणेश जी दिख रहे हैं यहाँ पे, कार्तिकेय जी दिख रहे हैं, मतलब 11वीं से 12वीं सदी की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर खुदाई के दौरान जो निकली थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो म्यूजियम के अंदर हैं आप देख सकते हैं। पहले के टाइम पे जो लोग यहाँ पे गेम्स खेलते थे, इस टाइप के गेम्स हो गई, गुल्लक हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। मतलब अगर आप यहाँ पर आएंगे पुराने किले के अंदर तो जो ये म्यूजियम है इसके अंदर ज़रूर आप आइएगा देखने के लिए, तो आपको पता चलेगा 11वीं से 12वीं सदी के टाइम पे जब उस टाइम पे यहाँ पर लोग रहते थे तो कैसे रहते थे और उनकी जो चीज़ें खुदाई के दौरान यहाँ पर निकली हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें थी क्या क्या नहीं थी वो सारी चीज़ें म्यूजियम में रखी गई हैं जो आप देख सकते हैं। देखिए इस टाइप पे हाथी है पत्थर का बना हुआ, ये देखिए 100 BC से 300 AD तक की जो चीज़ें हैं वो ये सारी हैं। पहले के टाइम पे जो चूल्हे होते थे उनकी यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं कि पहले के टाइम पे जो चूल्हे होते थे वो किस तरीके से खाना बनाते थे पहले के लोग, ये देखिए पुराना किला था मौर्य चूल्हे, मौर्य काल के टाइम के ज़माने की बात है। तो पहले के टाइम पे ऐसे यहाँ पर चूल्हे होते थे जिन पर लोग अपना खाना बनाया करते थे। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो म्यूजियम के अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, काफ़ी एंटिक चीज़ें हैं, जैसे ये हैं यहाँ पर एंटिक चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। जब भी आप पुराने किले के अंदर आएंगे म्यूजियम को जरूर देखिएगा। सो गाइस इस वक्त हमें पुराने किले के म्यूजियम के अंदर और यहाँ की जो एंटिक चीज़ें हैं उनको देख के ऐसा फील होता है कि हम जैसे 10वीं से 12वीं सदी के टाइम पे दोबारा से पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं इस टाइप के यहाँ पे म्यूजियम के अंदर ये सारे स्टोन्स वगैरह जिनकी आकृतियाँ वगैरह जिनमें बनी हुई हैं वो सब रखी हुई हैं। देख भाई हाथी, हाथी दांत से बनी हुई चीजें हैं, हाथी के दांत से बनी हुई है चीजें।